नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मर गया भेड़िया, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भेड़िया ने कुएं में झांका। आप घबराना नहीं बाबा, मैं अभी आपको बाहर निकालता हूं। गुलू, आ कुएं पर रस्सी भी नहीं है, मुझे रस्सी लेकर आनी होगी। भेड़िया रस्सी का गुच्छा उठाकर पलटा ही था कि रस्सी को वापस रख दो भेड़िया, मैंने बुढ़े ठुड्ढे को अपने पोंछ से खींचकर बाहर निकालकर इसके सारे एहसानों का हिसाब चुकता कर दिया है। बाबा बाबा, आप ठीक तो है ना? जल्दी फूजो ने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर लिया। जेन फूजो बाबा पर भी वैसा ही रहस्यमयी हमला हुआ है। काश तुम भी देख पाती इस जंजीर को जीवित होकर बाबा पर झपटते, जिसे मैंने कड़ियों में बदल दिया है। ये ऐसा तीसरा रहस्यमय हमला है भेड़िया। तीसरा? हाँ भेड़िया, मैं यही बताने तो यहां आई थी कि रेत के डायनासोर ने अचानक जीवित होकर कोबी पर हमला कर दिया था, पर मेरी भेड़िया फौज ने खोद डाला कमबख्त को। बाबा ये जंजीर आपके पास कहां से आई? इसे तुम्बा सरदार मेरे पास लाया जरूर था, पर इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि बाकी घटनाओं में तुम्बा का कहीं नाम नहीं आया। वैसे भी तुम्बा एक शरीफ और सीधा साधा इंसान है। तो फिर इन घटनाओं का आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है? फिलहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन संकट अभी टला नहीं था। मैं शाम की सैर करने जा रही हूं। उस अज्ञात संकट के प्रति भी वो सजग थी। मुझे लगा कि उस बजुका ने अपनी पलकें हिलाई है। ये भ्रम नहीं था, ये सच था। तड़ाक, उफ, बजुका का हाथ जेन की टांग पर चिपक गया। उस रहस्यमय शक्ति का हमला मुझ पर भी हो रहा है। सर, ये मुझे कहां खींचे ले जा रहा है? उफ, धाड़। मुझे तुम पर आने वाले संकट की आशंका थी जेन, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे ही आ गया था। अब तुम उस संकट की चिता जलती देखो। तिर, बाजूका का जीवित होना दोनों के लिए कौतुक का विषय बना हुआ था, लेकिन प्रेताल की आंखों में कौतुक नहीं था, उसकी आंखों में सफलता की चमक पैदा हो रही थी। मनिक जोड़, मनिक जोड़, मनिक जोड़, मनिक जोड़। स्क्रीम, खट खट। मनिक जुड़ गया, मनिक जुड़ गया। किंतु मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बार इसकी शक्ति का परीक्षण अवश्य करना होगा। फिलहाल उन दो सिंहों की भूख उन्हें अपना शक्ति परीक्षण करने का निमंत्रण दे रही थी। शक्ति परीक्षण का लक्ष्य मिल गया। धाड़। लेकिन पहले इनके खूंखार जबड़ों को पीछे करूं। धाड़। प्रेताल ने अपनी मुट्ठी में दबे मणिक को उन दोनों सिंहों की ओर किया। प्रेताल पर आक्रमण करने का दंड तुम्हें भुगतना होगा दुष्टो। इस मणिक में चंद्रमा की अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति भरी है, जो दो प्राणियों को आपस में जोड़ देती है। धाड़। खंडित मणिक की शक्ति की कामयाबी पर मुझे संदेह था, किंतु अब वो संदेह दूर हो गया। मणिक की शक्ति आज भी कायम है। अभी मुझे एक और शक्ति प्राप्त करनी है, और उसके लिए मुझे अब जाना होगा कुठारा कबीले में। लेकिन पहले मैं विवा को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का दायित्व तो सौंप दूं। अपने लक्ष्य को जोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था प्रेताल। फुजो के लिए संकट बढ़ने वाला था। गुर, उफ, किसी घायल सिंह की गुर्राहटे हैं ये, शायद उसे चिकित्सा की आवश्यकता हो। आवाजें इस ओर से आ रही हैं। फूजो के कदम आवाज की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, लेकिन उस वक्त कदम ठिटक गए और आंखें फैल गई। ओह आश्चर्य,
जुड़वा शेर, और ये घायल भी नहीं है, ये तो फिर ये ऐसे गुर्रा क्यों रहा था? उस अट्ठास को सुनकर फूजो और भी ज्यादा चौंक पड़ा। मैं भी हुआ हूं, मेरा काम व्यू रचना है। निगाहें उठाकर देख बुड्ढे, तू सी व्यू में फंस चुका है। तू घायलों की सेवा के लिए तुरंत पहुंचता है, इसलिए तुझे यहां लाने के लिए ये मेरी चाल थी। सी व्यू में सी अपने शिकार को घेर लेते हैं और मुखिया शेर शिकार पर हमला करके उसकी बोटियां चबा जाता है। जब तक शिकार जीवित रहता है तब तक ना तो हमलावर सी घायल होता है और ना ही मरता है, और आज शिकार तू है। फूजो, जिसे देखकर वन्य प्राणी भी आदर से सिर झुका लेते हैं, मगर आज जुड़वा सिंह उसकी एक सुनने को तैयार ना था। धाड़, रुक जाओ जुड़वा, तुम अनर्थ कर रहे हो। फूजो भी कोई भेड़ या बकरी नहीं था कि सी बिहू के उस जीव सैनिक के जबड़े में आसानी से फंस जाता। बिहू बता रहा था कि बिहू का मुखिया सेठ जुड़वा तब तक ना तो मरेगा ना घायल होगा जब तक वो अपने शिकार को खा नहीं जाता। अगर वो सच कह रहा है तो इस खूनी जंग का परिणाम क्या होगा? फूजो का शरीर बूढ़ा हो गया था मगर इरादे नहीं, वो फौलादी पकड़ बनकर जुड़वा की गर्दनों पर जकड़ चुके थे। जुड़वा होने के कारण इनकी ताकत भी दुगुनी हो गई है। उफ, और ये क्या, इसकी गर्दन पर कटे का ये निशान तो मगरमच्छ के पंजे का है। ये तो इसी वन का शेर है जो पानी पीते वक्त मगरमच्छ का शिकार हो गया था, और फिर इसका इलाज मैंने ही किया था। मगर ये जिरवा कैसे हो गया? क्या ये विवाह का चमत्कार है? धम घुर। लेकिन अगर ये विवाह का चमत्कार है तो फिर इसका मतलब है कि विवाह के पास सिंहों को जुड़वा बनाने की शक्ति है। खच घर। विवाह ठीक कह रहा था, लकड़ी से घायल होने के बाद इसकी आंखें फिर ठीक हो गई है और अब ये दोबारा मुझ पर झपट रहा है। मैं कब तक इसका मुकाबला कर पाऊंगा? सीबीयू में केवल मृत्यु दहाड़ती है फूजो, और जुड़वा तेरी मृत्यु है। तड़ाक। बीवा द्वारा रचे गए इस सीबीयू से तुझे जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष का पूरा अवसर मिलेगा, किंतु ध्यान रहे जैसे ही ये संघर्ष कमजोर या खत्म होगा उसके साथ ही तू भी खत्म हो जाएगा। मौत देने का काम तो जंगल के जल्लाद का है, तो फिर मौत देने वो कैसे ना आता? अगर कोई खत्म होगा तो वो तू और तेरा सी व्यू होगा। तो उस बुड्ढे का हिमायती लगता है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं कि सी व्यू में प्रवेश की इजाजत सिवाय शिकार के अन्य किसी को नहीं होती, और कोई ऐसी चेष्टा करता भी है तो उसे व्यू के शेष जीव सैनिक रोकते हैं। फूजो बाबा के प्राणों के प्रश्न पर तो मैं सारे संसार के शेरों से भी लड़ जाऊंगा। भेड़िया खुद भी मौत से टकरा गया था। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मुझे गुरुराज भाटके के सिखाए युद्ध कौशल का प्रयोग करना होगा। कच घुर दहाड़। लेकिन सीबीयू के किसी भी सिंह को घायल कर पाना भेड़िया के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। मेरे जिस प्रहार के बाद इसे मूर्छित हो जाना चाहिए उससे ये सिर्फ लड़खड़ाकर ही रह गया। और उधर वो विचित्र जुड़वा सिंह फूजो बाबा को काफी थका चुका है, वो किसी भी क्षण बाबा पर प्राणघातक हमला कर सकता है। जुड़वा सिंह ने फूजो बाबा का बाजू चबा डाला है। उसने बाजू को फूजो बाबा के कंधे से उखाड़ डाला है। उफ। फूजो बाबा अब हिम्मत हार चुके हैं। नहीं बाबा नहीं, पूरे जंगल को हिम्मत का अमृत पिलाया है तुमने, अपनी हिम्मत को हारो मत। हाथ कट चुके थे फूजो के। भेड़िया और कोबी दो और हाथ थे उसके, कोबी यहां था नहीं और भेड़िया विवश था। सीबीयू तोड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था जल्लाद। सीबीयू में फूजो के शरीर से रक्त के पतनाले छूट निकले थे। और कहते हैं कि सिंह के जबड़े में जब शिकार की गर्दन आ जाती है तो वो शिकार के सभी प्रयासों का अंत होता है। ओक, आ, हिच।
फूजो की आंखें फटी रह गई, जिस्म एकदम से शिथिल पड़ता चला गया। फूजो के जिस्म में जिंदगी का कोई लक्षण शेष ना बचा था। नहीं फूजो बाबा नहीं, रुकना, रुक जाना बाबा। मगर जाने वाला कब रुका है, जुड़वा भी धम से नीचे आ गिरा। देखा, मैंने कहा था ना, किसी भी हूं से इस बुढ़े को बचपाना मुश्किल होगा। कौन है तू शैतान, क्या दुश्मनी थी तेरी फूजो बाबा से? अरे ये तो गायब हो गया, कहां चला गया? कहीं नहीं गया, क्योंकि अब मुझे शोक व्यूह में फंसाना है जैन को। अब बारी उसकी है। वो भी नहीं बचेगी। विवाह के आखिरी शब्दों ने भेड़िया के पूरे शरीर में जैसे भूकंप पैदा कर दिया। जैन, फूजो की मौत ने जैसे पूरे जंगल को स्तब्ध कर दिया था। तुम्हारा फूजो बाबा मर गया, क्षमा करना, मैं नहीं बचा पाया इसे। इसे संभालो, क्योंकि मुझे जैन की जान बचाने जाना है। ब्रुक, बुफ, बुफ, क्रुक। हवा खामोश थी, वृक्ष शोर नहीं मचा रहे थे, सभी पशु चुप थे। फूजो चला गया था, वही तो था उनका सबसे बड़ा हमदर्द। अब उनके जख्मों को कौन सहलाएगा, कौन मरहम लगाएगा उन पर? ब्रुक, बुक। फूजो के रूप में जंगल का एक हाथ तो कट गया था, दूसरे की जान शोक व्यूह के खतरे में फंसने वाली थी। हाँ को भी थोड़ा और ऊपर जाओ, ऊपर की ओर ज्यादा बड़े और मीठे जामुन लगे हैं, मगर इसकी शाखाएं कमजोर हैं, कहीं टूट गई तो नीचे गिरकर मेरी हड्डियां भी टूटेंगी। मैं इस शाखा को हिलाता हूं, इस पर सबसे ज्यादा और बड़े जामुन लगे हैं। जामुन गिर रहे हैं ना जैन? अरे जवाब भी नहीं दे रही, अरे कहां गई? कोबी बचाओ। अरे कोबी तूफान की रफ्तार से वहां पहुंचा और अबे छोड़ जैन को, तेरी ये मजाल। कोबी बचाओ। बचा तो रहा हूं, मगर इस पर तो तुम्हारे प्रहारों का कोई असर ही नहीं हो रहा। अब होगा। कोबी कोबी क्या हुआ तुम्हें? ये मुझे कहां ले जा रहा है कोबी? कोबी मुझे उफ। आए बिना दीवारों के दरवाजा, और वो नामुराद जैन को उसी दरवाजे के पार ले जा रहा है। हे भेड़िया देवता, वो जंगली तो जैन को लेकर उस दरवाजे में जाकर गायब हो गया। दरवाजे का पट बंद हो रहे हैं, इससे पहले कि ये बंद हो जाए मुझे भी इसके अंदर पहुंच जाना चाहिए। कोबी के अंदर जाते ही वो द्वार गायब हो गया। ये व्यू मैंने जैन के लिए रचा था, मगर जैन अपने प्रियतम के साथ इस शोक व्यू में चली गई है। अंदर पहुंचते ही कोबी को पुकारना पड़ा वो नाम, हे भेड़िया देवता मदद। आओ आओ, सबके सिर तोड़ डालूंगा। उफ, इन पर तो गद्दा के प्रहारों का असर ही नहीं हो रहा। धाड़। वो देखो, वो रही जैन। कोबी जैन, कौन है तू शैतान? विवा, कौन विवा? जिसने इस शोक व्यू को रचा है, इस शोक व्यू में अब तुम दोनों में से एक की मृत्यु होगी और दूसरे को होगा उसकी मौत का शोक। और एक की मृत्यु हुए बिना ना तो ये शोक व्यू टूटेगा और ना ही दूसरा इस शोक व्यू से बाहर निकल पाएगा। अब देखना यह है कि तुम दोनों में से इस शोक व्यू में से कौन बाहर निकल पाएगा। धार, कोबी। कोबी की गद्दा का सामना नहीं कर पाएगा तू। धम, उफ। कोबी बचो, तूने मुझे भाला मारा। धार, छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझसे टकराओ, सिर्फ मुझसे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें जैन को छूने भी नहीं दूंगा। धार, नहीं उसे मत मारो। खच खच। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।